आपने कई बार फॉरेन प्लेयर्स को शानदार तरीके से रनआउट करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे तगड़े रनआउट्स जो कि इंडियन प्लेयर्स ने की है। तो नंबर 3 पे आता है ये रनआउट, जहाँ पर कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को एक बॉल डालता है और बल्लेबाज ऑफसाइड में कट शॉट लगाता है और एक रन के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन रविंद्र जडेजा उस बॉल को एक हाथ से पकड़कर गोली की रफ्तार से बॉल को थ्रो मारते हैं, जिससे कि बॉल सीधी स्टंप्स पे जाकर लगती है और बल्लेबाज क्रीज में पहुंचने से पहले ही रनआउट हो जाता है। तो दूसरे नंबर पर आता ही ये रनआउट, जहां पर इस मैच में जसप्रीत बुमराह बल्लेबाज को एक बॉल डालते हैं और बॉल बल्लेबाज के शरीर पर जाके लगती है और वो रन लेने के लिए जैसे ही क्रीज से निकलते हैं तभी विराट कोहली तेजी से दौड़कर बॉल को पकड़ते हैं और एक शानदार डाइव लगाकर स्टंप्स की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं और बल्लेबाज यहां पर रनआउट हो जाता है। और पहले नंबर पर आता है ये रनआउट, जहां पर इस मैच में रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाज को एक बॉल डालते हैं और बल्लेबाज लेग साइड में एक शॉट लगाता है, लेकिन बॉल सीधी लेग साइड में खड़े फील्डर के पैर में जाके लगती है और पैरों में लगने के बाद रिद्धिमान साहा के हाथों में आ जाती है और रिद्धिमान साहा बिना स्टंप्स को देके बॉल को स्टंप्स की तरफ थ्रो करते हैं।